हाँ भाई, अपने को इस चीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब बोलो कैसे निकालोगे, कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में कैसे पता चलेगा। तो इन सब कंडीशंस में अपन जो है कैपेसिटेंस में किरचॉफ्स रूल लगाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, देखो अपन ना एक जो है सर्किट डिजाइन कर लेते हैं जो कि 6 क्यूब करंट पास करता है अपने पास से, ठीक है। मतलब एक बैटरी लगा देते हैं, ये इमेजिनरी बैटरी है, ठीक है, इसका नेट कैपेसिटेंस पता लगाने के लिए। अब होता क्या है, ये 6 क्यूब यहाँ से आता है ए पॉइंट पे, यहाँ 3 ठोक है, मतलब यहाँ 2 क्यूब, वहाँ 2 क्यूब, यहाँ 2 क्यूब, तीनों 2 क्यूब जगह कट जाता है, 2 क्यूब ऊपर जाता है, उसके बाद यहाँ 2 ठोक कटा हुआ है, तो इधर क्यूब चला जाता है, उसके बाद यहाँ क्यूब जाता है, उसके बाद क्या होता है कि नीचे से 1 क्यूब आता है, तो यहाँ 2 क्यूब चला जाता है। अब अपने को देखना क्या क्या है, अपने को देखना है ए, फिर ए से देखना है एक्स, एक्स से देखना है वाई, वाई से फिर देखना है बी, ठीक है। हाँ ठीक है, ए से एक्स गया, एक कैपेसिटेंस से प्लस से नेगेटिव गया, तो यहां अपने को पोटेंशियल क्या पता चलेगा, पोटेंशियल होगा माइनस 2q/c। हर एक का कैपेसिटेंस सी है, तो नेट पोटेंशियल क्या हुआ, -2q/c। माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि कैपेसिटेंस प्लस से माइनस जा रहा है अपना करंट, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस से माइनस जाता है मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब नेगेटिव लगेगा। माइनस यहाँ कितना है क्यू, एक्स से वाई में क्या है क्यू चार्ज है, तो -q/c, उसके बाद फिर -2q/c क्योंकि यहाँ 2q है, -2q/c इज इक्वल्स टू क्या करूँगा इस कैपेसिटेंस से। अब अपन वो चीज़ करने वाले हैं जो इंडियन पेरेंट्स बहुत अच्छे से करते हैं, क्या कंपैरिजन, इस कैपेसिटर वाले सिस्टम का इस कैपेसिटर वाले सिस्टम से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इसका, तो इसमें अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो यहाँ आएगा -6q/c, ठीक है। हाँ यही आएगा, -6q/c। अब क्या होगा देखो, इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ आ जाएगा -5q/c और यहाँ आ जाएगा -6q/c है ये, ठीक है। अब q से q काटा, माइनस माइनस कटा, इधर रखा, तो CE इज इक्वल्स टू 6/5 कैपेसिटेंस आ जाएगा। ये आ गया अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है।